हांसी की स्थानीय इंदिरा कॉलोनी में देर रात एक कातिल ने एक घर में तेज हथियार से एक ही परिवार के 3 सदस्यों पर तेज धार हथियार से वार कर दिया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। युवक का नाम इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले 25 वर्षीय कृष्ण बताया जा रहा है। कृष्ण की मां व बहन को भी घायल कर दिया गया, उन्हें भी तेज धार हथियार से वार करके बुरी तरह से घायल कर दिया। आसपास के लोगों ने सभी को हांसी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया। घटना देर रात 2 से 2:30 बजे के बीच की बताई जा रही है, जिसके बाद कृष्ण को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद हांसी पुलिस को इस मामले में सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिवार के बयान पर अज्ञात हत्यारे के खिलाफ 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस जिला तो बन गया, पुलिस मुख्यालय बनने का आखिर जनता को क्या फायदा हुआ? जब लोग अपने घर में ही सुरक्षित नहीं गए तो आखिर कैसे वो अपने आप को ऐसे माहौल में सुरक्षित रखेंगे। इसके साथ ही बता दें कि हांसी में देर रात को कई जगह पर चोरी भी हुई है। इसके साथ ही धोलाकुआ की बात करें तो आज सुबह लगभग 7 से 7:30 बजे के बीच दिन दहाड़े चोर घर में घुसे हैं और इस जगह से चोरी की गए। साथ ही एक डिपो पर भी, जो राशन डिपो है, उस पे भी चोरों ने आज सेंध लगा दी और जो नकदी थी वो चुरा कर चोर फरार हो गए हैं। बता दें कि पुलिस जिला तो बना लेकिन क्राइम का, जो क्राइम रेट का है, वो शहर में घटने का नाम नहीं ले रहा। आखिर कौन इस पूरे वारदातों का जिम्मेदार है? आखिर किस पर सवालिया निशान खड़े करें पुलिस पे ना करें तो? हम सोचते थे इतना बड़ा चोरा ले रखा था, मगर सोचा तो मैं देखी, मैं बोली नहीं तो सोचा इतना वो लड़का है ना, मेरे ऊपर चक्कू रख लिया गले के ऊपर, जो गट्टी मुसल्ली है चक्कू रख दिया था। फिर मैं उसको पकड़ने के लिए भागी ना, उठ के वो भाग गया, जिस गेट से आया ना उसी गेट से डोली से उबाड़ के भाग गया। ये आज हमने सवेरे सूचना मिली थी, करीब 2:30 बजे के करीब हमने सूचना मिली की भी एक लड़के का गला रेत कर हत्या कर दी गई है और उसकी बहन और उसकी माँ के भी चोट पहुँचाई, और उसका नाम कृष्ण सुना फकीर चंदारो इंदिरा कॉलोनी है, जिस पे हम सूचना पाकर हॉस्पिटल में पहुँचे हैं। यहाँ से उसका ब्लड एंट्री का हासिल करके और घटना वगैरह का, घटनास्थल का भी मुआयना किया है। अब ये पोस्टमार्टम के लिए कागजात तैयार करके दिए गए हैं और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है 302-307 का, और आगे कार्रवाई अमल में ले जा रही है। ये अपने कपड़े की दुकान पे लगा हुआ था, एज ए मेहनत मजदूरी लगा लो।